की 6 बज रही है और बाहर का मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं डिनर में क्या बनाऊँ, क्योंकि जब इतना बारिश का जब मौसम होता है ना, तब रोटी और सब्ज़ी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। और बच्चे भी थोड़ा ज़िद करते हैं कि मम्मा कुछ स्पेशल बनाओ, लेकिन हर लेडीज़ की, आई थिंक सबकी यही प्रॉब्लम होती है स्पेशली शाम को, कि खाने में क्या बना। तो बहुत सोचने के बाद में मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंस्टेंट डोसा जो होते हैं वो मैं बना देती हूँ। और उसके लिए मैंने 2 कटोरी सूजी ली है और आधी कटोरी जितना जो मैदा होता है वो मैंने लिया है। मैदा से जो डोसे के अंदर बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और डोसा जो है बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। और आधी कटोरी जितना मैंने चावल का आटा लिया है और थोड़ा सा उसके अंदर मैंने नमक डाला है। और डोसे को एक थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची जो है वो बारीक चॉप करके डाली है। ये ऑप्शनल है, यदि आप बच्चे मिर्ची खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मत डालिए। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा करी पत्ता जो है वो डाला है। करी पत्ता जो है वो मार्केट से, क्योंकि अभी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो रोज़ बाहर जाना नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो मैं करी पत्ता जो है वो थोड़े ज़्यादा ही ला के रखती हूँ। उसको वॉश करके सुखा देती हूँ और उसके बाद मैं इस तरह के कंटेनर में भर कर और फ्रीज में स्टोर करती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मुझे ईज़िली करी पत्ता जो है वो अवेलेबल हो जाए। करी पत्ता को मैंने पूरा का पूरा नहीं डाला है, उसको चाकू से थोड़ा सा रफली मैंने चॉप कर दिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो उसके करी पत्ते के पीस जब डोसे के अंदर मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके अलावा मैंने 1 कटोरी जितना खट्टा दही है वो मैंने डाला है, क्योंकि मैं डोसा जो है वो एकदम इंस्टेंट बना रही हूँ, तो मेरे पास में अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 या 2 घंटा इस घोल को रख सकूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा खट्टा दही जो है वो लिया है, ताकि डोसा जो है उसमें फटाक से जल्दी से उसमें खमीर जो है वो उड़ जाएगा और डोसा जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसके अलावा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितनी काली मिर्ची का पाउडर डाला है। काली मिर्ची के पाउडर से डोसा जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस इस तरह का थोड़ा सा थिक जो है वो घोल करके और ढक कर रख देंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही मैं रख पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब डोसे के अंदर जो फिलिंग है, फिलिंग के लिए मेरे पास में अभी कुछ भी घर पे नहीं है, सिर्फ मेरे पास में सिर्फ 4 से 5 कच्चे केले पड़े हैं और उसके अलावा कुछ सफल मटर हैं। तो मैंने उन सफल मटर को डीप फ्रीज करके रखा था, तो वो थोड़े से टाइट हो गए थे, तो मैं उसको थोड़ी देर पानी में रख दूंगी ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब तक डोसे का बैटर जो है वो सेट होएगा, तब तक मैं फिलिंग तैयार कर लूँगी। फिलिंग जो है वो मैं इस कच्चे केले और मटर की ही बनाऊँगी, जैसे कि आलू और मटर की बनती है वैसे बनाऊँगी। तो इसकी जो फिलिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप एक बार बना के ज़रूर देखना। तो बस मैंने केलों को छील दिया है, छीलने के बाद मैं उसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। वैसे जब मैं बनाती हूँ कई बार, तो मैं केले को बॉईल करके, जैसे आलू को बॉईल करते हैं उस तरह से बना सकती हूँ, लेकिन अभी अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए मैं डायरेक्ट ही उसको जो है वो बघार लगा दूँगी। तो बस मैंने केलों को जो है छील कर उसको बारीक बारीक चॉप कर दिया है और अब उसके लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा तेल, उसमें थोड़ा सा राई, जीरा और थोड़ी सी उड़द दाल डाली है। उड़द दाल जो है उसका फिलिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप एक बार डाल के ज़रूर देखना। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है, करी पत्ता डाला है और जो मटर है वो मैंने डाल दी है। मटर को आप, क्योंकि ये ताज़ा मटर नहीं है, थोड़े से सफल मटर है, तो सफल मटर जो है वो मुझे थोड़े कम ही पसंद आते हैं, लेकिन अभी सीज़न नहीं है मटर का इतना और मटर मिल भी नहीं रहे हैं, तो मैं सफल मटर यूज़ कर रही हूँ। उसको थोड़ी सी देर 5 से 10 मिनट यदि थोड़ा तेल में सोटे कर लेते हैं तो मटर जो है वो थोड़े से टेस्टी लगते हैं। बस उसके बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा उसके अंदर मैं अमचूर पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला मैंने डाला है, ताकि ये एकदम सब्जी की जैसा टेस्ट नहीं आएगा फिलिंग के अंदर। और बच्चों को मैंने वैसे भी बोला है कि मैं पाव भाजी डोसा बना रही हूँ, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो बस उसको थोड़ा सा अलग टेस्ट देने के लिए मैंने मसाले के अंदर पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया है, तो बस डोसा जो है वो अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा उसमें खट्टेपन के लिए मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। और अब मैंने थोड़ा 1/2 गिलास जितना पानी डाला है, क्योंकि कच्चे केले जो है वो मैंने बॉईल नहीं किए हैं, तो उसको मुझे पकाना है, तो मैंने 1/2 गिलास जितना जो है पानी डाल दिया है। बस अब ये सभी चीज़ें मसालों को इन केलों के अंदर मिला के और ढक के 5 से 10 मिनट रख देंगे। फिलिंग तैयार हो रही है, तब तक मैं नारियल की चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। ये जो नारियल है वो मैं हमेशा इसको छिल कर इस तरह से पीस करके डीप फ्रीज करके रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो
तब मैं इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि जब भी चटनी बनानी हो तब उस नारियल को फोड़ें और उसमें से सारी जो चटक है वो सब निकालें। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी के अंदर रखा है ताकि वो थोड़ा जो टाइट हुआ है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इधर जब तक मेरी फिलिंग जो है वो भी थोड़ी बनकर तैयार हो गई है, तो मैंने ऊपर से एक बड़ा टमाटर था वो मैंने जो है चॉप करके डाल दिया है, क्योंकि टमाटर को यदि मैं पहले डाल देती हूँ तो टमाटर बहुत गल जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। और इस तरह से जब सब्ज़ी पूरी बन जाती है या फिलिंग तैयार हो जाती है उसके बाद यदि ऊपर से डालते हैं तो फिलिंग के अंदर जो क्रंचीनेस आता है टमाटर का वो बहुत अच्छा लगता है। डोसे का जो बैटर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो ही गया है, उसके अंदर मैंने एक चम्मच मेथी पाउडर डाला है। जी हाँ, ये जो है वो डोसे इंस्टेंट यदि डोसा जब अपन तैयार करते हैं तब उसके अंदर यदि एक चम्मच मेथी पाउडर डाल देते हैं ना तो डोसा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, जैसे मार्केट का होता है ना उस तरीके का। क्योंकि जब अपन डोसा जब तैयार करते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में, तो अपन दाल और चावल को रात को जब भिगोते हैं तब उसके अंदर अपन मेथी डालते हैं। तभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने गोल के अंदर एक चम्मच पाउडर डाल दिया है। अब नारियल जो है वो 5 मिनट के अंदर सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस अब उसके लिए मैं चटनी तैयार कर दूंगी। चटनी के लिए मैंने थोड़ा नारियल ले लिया है, हरी मिर्च ली है, करी पत्ता लिया है, आधी कटोरी जितना चने की दाल का दलिया लिया है। चने की दाल के दलिये से चटनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी बनती है। 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, दही जो है वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं लेना है। यदि खट्टा दही है तो आप डालिए ही मत, नहीं तो चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाला है। इस ये नारियल की चटनी के अंदर काली मिर्च पाउडर जो है उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप प्लीज़ इसको डालना स्किप ना करें। बस फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और चटनी तैयार कर लें। चटनी बनाते टाइम ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में ही हमको बहुत सारा पानी एक साथ में नहीं डालना है, नहीं तो जो नारियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं, तो एकदम चटनी जो है वो बारीक नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और चटनी तैयार करें। चटनी जो है वो मैंने अच्छे से पीस ली है, अब उसके ऊपर मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने एक छोटी सी जो कढ़ाई है उसमें थोड़ा सा तेल लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी उड़द की दाल राई डाली है और थोड़ा सा करी पत्ता डाला है। और अगयादी आप चाहें तो इसमें 1 या 2 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये जो तड़के है, तड़के का इस चटनी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चटनी जो है बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगती है। चटनी भी मेरी बन गई है और इधर फिलिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो ये फिलिंग के अंदर से पाव भाजी मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और डोसा जो है, डोसे का जो गोल है वो भी तैयार हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है। तो इसमें पानी ऐड करने के पहले मैं इसके अंदर थोड़ा सा 1/4 जितना मैं खाने का सोडा डालूंगी। खाने के सोडे से डोसा जो है वो एकदम क्रंची बनेगा, क्योंकि मैं इंस्टेंट डोसा बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी खमीर वगैरह नहीं मुझे टाइम मिला है उठाने का। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा दही डाला, और दही जब डालते हैं और थोड़ा सोडा अगर मिक्स कर देते हैं तो इंस्टेंट खमीर जो है वो बन जाता है, तो डोसा जो है वो एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। तो बस थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा, मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। बस अब इसको अच्छे से हिला के मिक्स कर देंगे और हमारा डोसे का गोल जो है वो तैयार है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, आप इस तरह की रखिएगा। डोसे का गोल जो है वो तैयार हो गया है। अब मैंने डोसे का तवा लिया है जिसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है लगा दिया है। ऑयल जो है वो हमको बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो डोसा जो है वो बीच में से एकदम फूल जाता है और वो डोसा जो है उसका इतना अच्छा टेक्सचर जो है वो नहीं आ पाता है। बस थोड़ा सा तेल लगाने के बाद जब अच्छे से तवा गर्म हो जाएगा तब किसी भी चम्मच या कटोरी की सहायता से थोड़ा सा आप गोल उसमें डाल दीजिए और चारों तरफ फैला दीजिए। जितना हो सके डोसे को आप पतला करिए ताकि डोसा जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, नहीं तो उसकी जो नीचे की लेयर होती है वो तो अच्छे से पक जाती है और ऊपर से वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा मुँह में आता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। जब ऊपर से थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसके ऊपर मैं बटर लगाऊंगी। ये जो बटर है वो मैंने घर पर बनाया, मतलब कि होममेड बटर है। यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस डोसे की जो ऊपर की लेयर अच्छे से ड्राई हो जाएगी तब थोड़ा सा बटर जो है वो आप जो है पूरे डोसे के ऊपर अच्छे से फैला देवें, ताकि बिल्कुल मार्केट में जैसा डोसा होता है ना वैसा टेस्ट आएगा। यदि आपके पास में बटर नहीं है तो आप घी का या तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। बटर को पूरे डोसे पर जब एक बार अच्छे से स्प्रेड कर देंगे उसके बाद में जो हमने फिलिंग तैयार करी थी वो फिलिंग जो है वो उसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो डोसे को अलग और फिलिंग को अलग रख के भी आप खा सकते हैं, लेकिन हम मेरे घर पर सब जने इस तरह से खाते हैं तो मैंने इस तरह से ही बनाया है। तो बस थोड़ी थोड़ी फिलिंग जो है वो आप डाल के पूरे डोसे पर अच्छे से फैला देवें, और फैलाने के बाद में 2 या 2-3 सेकंड, ज़्यादा देर हमको नहीं रखना है, खाली वो अच्छे से उसके साथ में गर्म हो जाए बस।
उतना ही रखना है और उसके बाद में डोसा हमारा तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि जो बटर है वो पूरे फिलिंग के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से गर्म हो गया है, और डोसा देखो उसने किनारों को एकदम अच्छे से छोड़ भी दिया है। तो ये जो डोसा है वो बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनता है और इंस्टेंट बनता है। इसमें हमको कोई दाल चावल को भिगोने की, उसको फिर पीस कर रखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस डोसे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल मार्केट के जैसे डोसे के जैसा ही आता है। तो आप इस डोसे को ज़रूर ट्राई करना और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा बना था। तो बस मैं सारे डोसे फटाफट तैयार कर लूँगी क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, और हम सबका डिनर जो है वो 8 बजे के पहले ऑलमोस्ट हो ही जाता है। आज फिर भी थोड़ा मेरे को लेट हो गया है, तो बस अब जल्दी जल्दी सारे डोसे जो है मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लेती हूँ। हम सबका डिनर भी हो गया और किचन का मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। मैं कभी भी कपड़े जो है वो बाहर आयरन करने के लिए नहीं देती हूँ। जहाँ तक हो सके मेरी कोशिश रहती है कि मैं घर के सारे काम मैं खुद से करूँ। तो बस वही है कि अभी मॉर्निंग में हस्बैंड शॉप पे जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि सुबह बच्चों की क्लास भी होती है और घर का किचन का सारा काम भी होता है, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं सुबह आयरन करूं। इसके लिए मैं एक जोड़ी ड्रेस जो है वो शाम को ही या रात को ही आयरन करके रख देती हूँ ताकि सुबह जो है वो हस्बैंड को फटाफट ड्रेस मिल जाए और मुझे सुबह डिस्टर्बेंस ना हो। वैसे तो मैं जितने भी मेरे हस्बैंड की ड्रेसेस है उन सबको एक ही साथ आयरन करके रख देती हूँ ताकि मुझे रोज़ एक एक ड्रेस के जो है वो प्रेस ना करनी पड़े। लेकिन वैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में पता नहीं पूरा दिन किधर निकल जाता है। पूरा दिन जैसे काम करते ही रहते और काम ख़त्म ही नहीं हो पाते क्योंकि बच्चों का भी स्कूल भी नहीं है, वो घर पर ही रहते हैं, उनकी क्लासेस चलती है, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि कब कौन सा काम। सारा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। वैसे हम तो पुरानी वाली जो लाइफ है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। क्या आप भी उस लाइफ को मिस करें? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी भी हालत जो है वो मेरे जैसी ही हो रही है क्योंकि सारा जो रूटीन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। बच्चे पहले स्कूल मॉर्निंग में चले जाते थे, सारा काम जो है वो मॉर्निंग में हो जाता था, इसके अलावा दिन को कुछ रेस्ट मिलता था, इवनिंग का जो शेड्यूल था वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। वैसे तो मैं जब भी कपड़े सुखाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कपड़ों को इतना अच्छे से सुखाऊँ ताकि जब मैं आयरन करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन आजकल मैंने ये जो कपड़े सुखाने का जो काम है वो मैंने मेरे बच्चों को दिया है ताकि वो थोड़ा बिज़ी रहें और थोड़ा वो मेरे घर के कामों में उनको इन्वॉल्व करती हूँ क्योंकि यही टाइम है कि बच्चों को मैं कुछ सिखा सकूँ। नहीं तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हुआ है। अब हम नीचे बिल्डिंग के अंदर आए हैं वॉक के लिए। वैसे हम रोज़ नहीं आते हैं लेकिन आज बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा ज़िद करी कि मम्मा हमको बहुत टाइम हो गया है नीचे गए हुए, तो आप प्लीज़ एक या दो राउंड के लिए लेके जाइए। ये हमारे बिल्डिंग का क्लब हाउस है, इसी के अंदर स्विमिंग पूल भी है। पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब बच्चे स्विमिंग के लिए भी आते थे और इसके अलावा क्लब हाउस के अंदर कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते ही रहते थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोग मिस कर रहे हैं। और अभी बिल्डिंग के अंदर आप देखो एकदम सुनसान है, कोई भी नीचे नहीं है। अभी 8:30 बजे मुंबई के अंदर कभी भी इस तरह की जो कंडीशन है कभी नहीं होती कि एक भी लोग नीचे ना दिखें। लेकिन पता नहीं ये इस तरह की कंडीशन आई है अभी कि लोग नीचे उतरने में ही डरते हैं। तो बस वही है, थोड़ी सी देर राउंड लगाएंगे और फिर ऊपर चले जाएंगे। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।